हेलो दोस्तों, मैं सुजीत और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप प्राइमरी मेन्यू अपने वेबसाइट में कैसे क्रिएट करेंगे। सो आप देख रहे हैं कि ये हमारा प्राइमरी मेन्यू है, यहाँ पे हमारा होम और ब्लॉग दिया हुआ है। इसके अलावा भी हमें बहुत सारे मेन्यू की ज़रूरत होती है, तो उस चीज़ को हम कैसे क्रिएट करेंगे। और आज के भी मतलब आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप एक जंप मेन्यू कैसे क्रिएट करेंगे, जो कि आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके ही नेक्स्ट पेज, जैसे यहाँ सर्विसेज है तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए। सो सबसे पहले आप यहाँ इस पेंसिल के निशान पे क्लिक कीजिए, फिर ये प्राइमरी है, उसके नीचे आपका एडिट मेन्यू है, यहाँ एडिट मेन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए होम और ब्लॉग है, तो सबसे पहले मैं होम को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ अपने लोगो पे भी क्लिक करेंगे तो वो आपका होम पे डायरेक्ट आ जाएगा। सो ये डिलीट हो चुका है, देखिए यहाँ से हट गया। उसके बाद आप यहाँ ऐड आइटम पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सबसे पहले आप अपना जो भी मेन्यू है उसका नाम यहाँ डाल दीजिए। तो सबसे पहले मेरा है सर्विसेज, जैसे कि मुझे फीचर्स पे जम कराना है तो मैं यहाँ फीचर्स डाल देता हूँ। उसके बाद मैं इसे ऐड मेन्यू कर लेता हूँ। सेकेंड हमारा अबाउट है, अबाउट अस पेज है, उसके लिए मैं मेन्यू बना लेता हूँ और मुझे अबाउट पे ही जम कराना है, इसलिए मैं हर अबाउट डाल देता हूँ। उसके बाद है मीट आवर टीम, मीट द टीम। उसके बाद फिर आप यहाँ जंप मेन्यू बना लीजिए। सबसे लास्ट हमारा कॉन्टैक्ट है, नेक्स्ट मेनू कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट टाइप करेंगे, फिर यूआरएल में जाकर हज कॉन्टैक्ट करेंगे, जिससे हमारा जंप मेन्यू तैयार हो। उसके बाद इसे हम ऐड मेन्यू करेंगे। अब हमारा पूरा का पूरा प्राइमरी मेन्यू क्रिएट हो चुका है, उसके बाद हम इसे पब्लिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि हमारा प्राइमरी मेन्यू जंप कर रहा है या नहीं। मैंने आपको एक एक करके सब दिखा दिया कि कैसे हमारा प्राइमरी मेन्यू जंप कर रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।